नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जल के बारे में पढ़ा, उसकी समस्याएं क्या थी, जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और उसके बचाव के उपाय। उसमें एक चीज़ रह गई थी, सिर्फ एक पॉइंट, कि कुछ जो तरीके हैं, कुछ पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम जल को बचाव और भी ज़्यादा सकते हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, यह क्या है, अपने जैसे घर बनाते हैं तो घर बनाते समय क्या है, उस घर के जो मुंडेर बनाए जाए उसकी दीवार थोड़ी सी ऊंची कर दें और उसके अंदर क्या है, पाइप के द्वारा जो वर्षा का जल है उसको एक गड्ढे में या एक क्या है टंकी में एकत्रित कर लें और बाद में क्या है उसमें लाल दवा वगैरह मिलाकर उसको शुद्ध करके क्या किया जा सकता है, पुनः उसको उपयोग किया जा सकता है। अब सोच के देखिए कि जो वर्षा का जल घर के ऊपर गिर रहा था और बाद में क्या है वो नदी नालों में चला गया, वो हमारे किसी उपयोग का नहीं रहा, वो क्या है दूषित हो गया। लेकिन वहीं क्या है, जो जल हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा बचा लिया टंकी में, वो क्या है उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से पौराणिक जो राजस्थान वगैरह या छोटे प्रदेशों में क्या है, पौराणिक जल को बचाने के जो तरीके हैं, जैसे बावड़ी वगैरह बनाना, जैसे गोल घेरा बनाकर एक गर्त की तरफ रूप में क्या है कि ढक्कन के चारों तरफ क्या है छेद छोड़ दिए जाते हैं, जिससे पानी गिरकर क्या है उसके अंदर गड्ढा होता रहे, नीचे क्या है टंकी होती है। तो इस प्रकार के जो कुछ उपाय हैं उनका इस्तेमाल करके क्या है हमें जल को बचाने के और भी तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसमें अगर लगातार 2 घंटे तक बारिश होती है तो तकरीबन 8000 लीटर पानी क्या है हमें बचा सकते हैं। तकरीबन ऐसा नहीं है कि इतना पर्टिकुलर हो और इसका तेज वेग या किस प्रकार से है वो अलग सिस्टम है, लेकिन फिर भी क्या है सिर्फ 2 घंटे अगर बारिश होती है तो तकरीबन 8000 लीटर जो क्या है बहुत ज़्यादा उपयोगी पानी है उसका इतना बड़ा भाग क्या है अपने बचा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा लगातार होती रहती है या बहुत कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में क्या है इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेन्नई वगैरह जैसे शहरों में क्या है इसको नेसेसरी कर दिया गया है। दिल्ली में भी क्या है बहुत सी इमारतें, जैसे अपने राष्ट्रपति भवन है वो भी क्या है इस प्रकार वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा निर्माण किया गया है, तो जिसका फ़ायदा क्या है वहाँ पानी के उपयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्या है, वन्य जीव क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले क्या है आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा, एक क्या है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, यानी वायु का जो क्षेत्र है, वायु का भूभाग है पृथ्वी के ऊपर वो क्या है वायुमंडल हो गया, जलमंडल जो क्या है जलीय क्षेत्र है वो जलमंडल हो गया, और जो स्थलीय भाग है वो क्या हो गया स्थलमंडल हो गया। अब इन तीनों मंडलों के मध्य निवास करने वाला जो मंडल होता है वो है एक चौथा मंडल जिसको कहते हैं जीवमंडल। जीवमंडल के अंतर्गत कौन आते हैं, हम मानव प्राणी, वनस्पति जीव, जंतु, चाहे वो जलीय जीव हों, चाहे वो स्थान पर रहने वाले हो, चाहे वो आकाशीय पक्षी वगैरह हो, वो सारे क्या हैं जीवमंडल के हिस्से हैं। इन तीनों के मध्य में एक नया जो मंडल विकसित होता है, इन तीनों की सहायता से एक नया मंडल जो निवास करता है पृथ्वी पर वो क्या है जीवमंडल है, जिसकी सहायता से क्या है अपने सारा कार्य या हम स्वयं क्या हैं उसी का एक अंग है, उसी का क्या है एक अंग है या भाग है या हिस्सा कह सकते हो अपने, वो क्या है जीवमंडल के ही भाग हैं। तो यह क्या है जीवमंडल है, और जीवमंडल में जिस प्रकार से मानव है उसी तरह से क्या है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव दोनों भी क्या है इसी जीवमंडल का क्या है एक हिस्सा है, जैसे हम मानव प्राणी क्या है इसका एक हिस्सा है। अब देखिए कि हम मानव प्राणी हैं तो हमारी इम्पोर्टेंस हम सबको खुद को जानते हैं कि हाँ भाई हम हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमारे समाज के लिए कितने ज़रूरी हैं, लेकिन क्या यह वन्य जीव और वनस्पति हमारे समाज के लिए हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, इसके लिए एक शब्द है पारितंत्र। इस शब्द के अर्थ को अपने समझते हैं तो देखते हैं
कि प्रत्येक जीवन का जो घटक है या भाग है, तत्व है, वो सारे घटक भाग या तत्व क्या है, एक दूसरे पे क्या है, आधारित है, डिपेंडेड है, आधारित हैं या डिपेंडेड हैं। यानी जब एक जीव किसी दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है और उसी को दूसरा जीव अपना भोजन बनाता है, तो इस प्रकार से क्या है, ये फूड चेन या जो पारितंत्र है हमारे पृथ्वी का, इकोसिस्टम है, वो लगातार चलता रहता है। उसी के सहायता से क्या है, अपने इस पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है। तो क्या है, ये सारे के जो जितने भी जीव हैं, जिनके अंदर मानव जलीय जीव चाहे मछली कितनी बड़ी हो, छोटी हो, ठीक है, या पक्षी, शेर, चीता, हिरण, सांप, खरगोश वगैरह जो भी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, परस्पर या आपस में क्या है, एक दूसरे पर आधारित हैं। और इस आधार के कारण ही क्या है, प्रत्येक जीव का क्या है, जीवन टिका हुआ है और प्रत्येक जीव का जीवन चल रहा है। अगर ऐसा मान लीजिए कि क्या है, प्रत्येक जीव जो है वो एक प्रकार से नींव का काम कर रहा है हर दूसरे जीव के जीवन के लिए, ठीक है, यानी हर एक जीव जो है एक दूसरे के लिए आधार का कार्य करता है, ठीक है, हर एक जीव का जीवन जो है वो दूसरे जीव पर आधारित है। पारितंत्र का अर्थ यही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमारे लिए ये सारे उपयोगी किस प्रकार से हैं। सबसे पहले अपने क्या है, वनस्पति के बारे में देखते हैं, तो वनस्पति में सबसे पहला नाम अपने ले लेते हैं पेड़ का। पेड़ से हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं, इमारती लकड़ी या जलाने हैं तो लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी, ठीक है, इसके अलावा फल पेड़ों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनके औषधीय गुण अगर हैं पेड़ के, औषधीय गुण भी है तो भी क्या है, अपने पेड़ से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ से प्राप्त करते हैं। इमारती लकड़ी या जलाने के लिए लकड़ी, फल अगर लग रहे हैं तो औषधीय गुण अगर उसके हैं तो, और ऑक्सीजन तो पक्की बात है, डेफिनेट है, ऑक्सीजन तो मिलेगी। और ऑक्सीजन आपको जानते हैं आप क्या है, हमारे लिए जीवनदायिनी क्या है, गैस है। हमारे लिए जीवन का कार्य कौन करती है, ऑक्सीजन, और वो मिलती किससे, हमें पेड़ों से। अब देखिए पेड़ क्या है, भोजन किस प्रकार से मिलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ भोजन किस प्रकार बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के समय उनको चाहिए क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। भोजन बनाते समय उनको क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वो किससे मिल सकती है, उसको मानव से मिल सकती है, क्योंकि हम जब श्वास छोड़ते हैं तो हमारे श्वास के साथ बाहर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमें से गैस कौन सी चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। यानी पेड़ों ने छोड़ी ही तो हमने प्राप्त की, ठीक है, जो गैस हमने छोड़ी है वो किसने प्राप्त की है, पेड़ों ने, प्रकाश संश्लेषण के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है। यानी पेड़ का, मानव का, दोनों का जीवन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेड हो गया, इंटरडिपेंडेड हो गए वो दोनों, कि पेड़ अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो मानव उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। तो इस प्रकार से अपने समझ सकते हैं कि यह क्या है, पारितंत्र एक प्रकार से कहता है कि सभी जो जीव हैं वो एक दूसरे पे इम्पोर्टेंट है या सभी एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। जैसे और क्या चीज़ है वनस्पति के अंदर, और क्या चीज़ें आती हैं, सारी वनस्पति मान लीजिए वो क्या करती है, रक्षक मेखला का कार्य करती है, रक्षक
मेखला, मिट्टी वाले टॉपिक में मैंने बताया था आपको, मृदा वाले टॉपिक में रक्षक मेखला क्या हो गई, यानी पानी के अपवाह को रोकने वाली जो अवरोधक चीज़ें होती हैं वनस्पति के रूप में, वो क्या किसका कार्य करती है, रक्षक मेखला का कार्य करती है, जिसके कारण भूमिगत जल बढ़ता है या भूमिगत जल में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। और वह जल हम किस लिए उपयोग में लेते हैं, हमारे पीने के लिए, फसलों के लिए, ठीक है। तो अगर फसल ने क्या है भूमिगत जल रोका है, तो वही भूमिगत जल दोबारा किसके लिए काम में आ रहा है, फसल के लिए काम में आ रहा है, एक दूसरे के डिपेंडेंट हो गए वो भी, ठीक है। जिसका फ़ायदा किसको और मिल रहा है, मृदा को भी फ़ायदा मिल रहा है उसको, ठीक है। पौधे हैं उनसे क्या है फूल प्राप्त करते हैं, वो फूल भी अपने गुणों के कारण अलग अलग रूप से काम में आते हैं, ठीक है। फल भी प्राप्त किए जाते हैं पेड़ों के द्वारा, ठीक है। औषधि प्राप्त की जाती है जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें इनसे प्राप्त हो रही है, जिसका कहने का सीधा साहस्य क्या है कि यह वनस्पति जो है वो मानव जीवन के लिए कितनी ज़्यादा उपयोगी है। पहला सीधा जो गैस मिल रही है वही फूल फल औषधि इमारती लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी, ठीक है, या अन्य कामों के लिए भी क्या है पेड़ की लकड़ियां वगैरह वो काम में आती रहती हैं। तो वनस्पति क्या है एक सीधा तौर पर मानव के जीवन का आधार हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि सारे जितने भी संसाधन इसमें पढ़ाए जाएंगे वो मानव के जीवन का आधार ही है, चाहे वो भूमि है, चाहे मृदा है, और चाहे वो जल है, और चाहे वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति। और ये आगे जाके अपने इसके महत्व को भी समझते हैं कि वन्य जीव जो है उनका भी महत्व क्या है। यहाँ पढ़ते हैं वन्य जीवों का महत्व, जीवों का महत्व, वन्य जीवों का महत्व कैसे है। देखिए वन्य जीवों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शेर है हिरण है, ये सिर्फ कहने का मतलब ये है, ये भी वन्य संपदा है, ठीक है। लेकिन हमारे आसपास जो जीव जंतु रहते हैं वो भी क्या है एक प्रकार से वन्य जीव ही हैं, वो इंसान की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो उनसे हमें किस प्रकार से फ़ायदा होता है, वो पारितंत्र में अपना क्या रोल प्ले करते हैं वो देखिए। जैसे जंतुओं के द्वारा हमें क्या मिलता है, दूध मांस प्राप्त होता है, जिन पशुओं को अपने पालते हैं उनके द्वारा हमें जल दूध वगैरह मांस वगैरह प्राप्त होता है। इसके अलावा खाल या चमड़ी कह सकते हो, चमड़ी का उपयोग अपने वस्त्र बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। इसके अलावा खाल और चमड़ी के अलावा भी क्या है उनका उपयोग ऊन के लिए, जैसे भेड़ वगैरह उनकी ऊन या ऊँट की ऊन वगैरह, ठीक है, भालू वगैरह की फर वगैरह है वो यूज़ मिली जाती है। तो दूध मांस खाल चमड़ी ऊन इन सभी कार्यों के लिए क्या है हमारे लिए कार्य, हमारे इस उपयोग को पूरा करने के लिए कौन सा संसाधन काम में आ रहा था, जीव जंतु, ठीक है। यानी हमारी दूध की पूर्ति या इन सब चीज़ों की पूर्ति कौन से संसाधन ने की है, जीव जंतुओं ने इस संसाधन की पूर्ति की है। इसके अलावा छोटे से छोटे जीव के बारे में देखते हैं, छोटे छोटे जीवों के बारे में बढ़ के देखते हैं कि मधुमक्खी है वो भी क्या है पारितंत्र का एक हिस्सा है, वो क्या करती है शहद इकट्ठा करती है। शहद किसके काम में आ रहा है, मानव के काम में आ रहा है, ठीक है। शहद क्या है पौधों को क्या है वो उनके फूल के परागकरणों के माध्यम से क्या है, फूल के परागकण के को क्या करती है अपने, जब वो फूल के ऊपर मधुमक्खी बैठती है और उसका क्या है रस निकालने के लिए, तो उसके साथ क्या है फूल के परागकण उसको चिपक कर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या है एक से दूसरे स्थान तक क्या है उस फूल या उस पौधे की क्या है प्रजाति वहाँ तक पहुँचती है। तो कहने का मतलब मधुमक्खी ने भले ही उससे क्या है रस प्राप्त किया है अपने उपयोग के लिए किया होगा, लेकिन साथ ही साथ वो उसका दूसरा काम क्या कर रही है एक पौधे का, फूल के परागकण को दूसरे स्थान पर पहुंचा रही है, जिससे उसकी ही प्रजाति क्या होगी या उस पौधे की प्रजाति क्या होगी विकसित होगी या ज़्यादा बढ़ेगी। तो यानी कहने का मतलब क्या है हर एक जीव जो है वो एक दूसरे पर इम्पोर्टेंट डिपेंडेड है, और सभी क्या है एक दूसरे के कार्य पूरे करने में एक दूसरे का समर्थन एक दूसरे की सहायता करते हैं। यानी पारितंत्र के अंतर्गत क्या देखेंगे, पारितंत्र के अंतर्गत क्या देखेंगे कि सभी जीव जो हैं वो एक दूसरे के जीवन के क्या हैं पूरक हैं, वो उनके जीवन को पूर्ण कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति
का वितरण, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति जो है वो भौगोलिक कारणों से, जलवायु के कारणों से, उच्चावच, तापमान आदि बहुत से कारणों के कारण क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। उसके बारे में अपने पढ़ते हैं अभी कि अलग अलग स्थानों पर किस किस प्रकार की या किस प्रकार के स्थान पर किस प्रकार की जनवर क्या है वनस्पति मिलती है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि आर्द्रता, तापमान, जलवायु, ठीक है, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, इन सभी के आधार पर क्या है वनस्पति जो है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग पाई जाती है। जैसे वन, ठीक है, वन क्या है अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, या घास स्थल, घास स्थल, या अलग अलग स्थानों पर क्या मिलेंगे, गुल्म मिलेंगे, गुल्म, और या फिर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। ये चारों ही क्या है वनस्पति के प्रकार हैं, वन, घास स्थल और टुंड्रा। अब देखते हैं कि ये चारों अलग अलग स्थानों पर किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो भाग है वन जो है वो उन स्थानों पर पाए जाएंगे जहाँ पर, यानी पहला पार्ट जो है अपना यहाँ लिख देता हूँ, एक, दो, तीन और चार। पहला पार्ट जो है वो किस प्रकार के स्थान पर पाया जाएगा जहाँ भारी वर्षा होती हो, यानी वनों का निर्माण वहीं होगा जहाँ भारी मात्रा में क्या हो, वर्षा होती हो, या जल की आपूर्ति क्या हो वहाँ पूरी होती हो, प्रचुर मात्रा में होती हो। जल क्या है, जल आपूर्ति, जलापूर्ति प्रचुर मात्रा में वहाँ पर होती हो, ठीक है, वहाँ पर क्या है बड़े सघन वन पाए जाते हैं, या उनकी सघनता क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, या वन का दूसरा प्रकार जिसमें क्या है थोड़ी कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर क्या होगी सघनता क्या है कम होती जाएगी, जहाँ जल की मात्रा या प्रचुरता क्या होगी आपूर्ति की वो कम होगी तो वहाँ क्या सघनता कम होती जाएगी। सामान्य वर्षा वाले जो क्षेत्र होंगे, ठीक है, वहाँ छोटे आकार के वन मिलते हैं। सामान्य अगर वर्षा होगी तो वहाँ पर क्या है वन जो है वो छोटे आकार के मिलते हैं, यानी यहाँ तो क्या है बड़े और सघन वन मिल रहे थे, सघनता ज़्यादा होगी बड़े वन होंगे, लेकिन यहाँ क्या है वन छोटे हैं और कम क्या है सघनता है या विरलता पाई जाएगी, सघनता है या विरलता पाई जाएगी। लेकिन जहाँ सामान्य वर्षा होती है वो क्षेत्र किसके लिए होता है भी, सामान्य वर्षा वो हमारा दूसरा कौन सा, घास स्थल। सामान्य वर्षा कहाँ पर पाई जाएगी, जहाँ पर सामान्य वर्षा पाई जाएगी वहाँ क्या होंगे घास उगे होंगे या फिर घास स्थल होंगे, वो स्थल कौन से होंगे, घास स्थल, जहाँ पर सामान्य रूप से वर्षा होती है, ठीक है, प्रेरी घास का मैदान है, स्टेपी घास का मैदान है, तो वहाँ पर वर्षा क्या है उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं होती, जहाँ क्या है भूमध्य सागरीय या फिर भूमध्य रेखा के आसपास का जो वन्य क्षेत्र है वहाँ जितनी वर्षा होती है उतनी नहीं हो पाती है, ठीक है। अब ऐसे क्षेत्र जहाँ क्या है कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ क्या है कम वर्षा होती है, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, गुल्म पाए जाते हैं, गुल्म को कहते हैं कंटीली झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ, यहाँ लिख देता हूँ, कंटीली झाड़ियों के वन पाए जाते हैं, या कह सकते हो कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर। उसके लिए स्थिति क्या है, जहाँ कम वर्षा हो या बहुत ही निम्न वर्षा हो और क्या हो शुष्क प्रदेश हो, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इनके लिए क्या है विशेषता भी है, जैसे
ये जो भारी वर्षा वाले वन हैं उनकी पत्तियां चौड़ी बड़ी पत्तियां मिलेंगी उन वनों की या उन वृक्षों की, ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, बड़ी पत्तियां, पत्तियां, ठीक है, या चौड़ी, बड़ी और चौड़ी पत्तियां, ठीक है, हाइट जो होगी लंबाई वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा लंबाई होगी क्योंकि जल जो है वो ऊपर के शीरे तक पहुंच पाता है। तना क्या है, मोटा होगा, ठीक है, जो पेड़ के फैलने का क्षेत्र होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। वहीं क्या है, जो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ थोड़ी छोटे आकार की पत्तियाँ, थोड़ा छोटा आकार के वृक्ष वगैरह मिलेंगे। घास जो है वो घास है ही, उनको क्या है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की घासें उगती हैं उस जलवायु की स्थिति के अनुसार, उसे क्या है तापमान के अनुसार क्या है घासों के प्रकार अलग अलग पाए जाते हैं, या वहाँ जल की मात्रा कितनी है उसके आधार पर भी क्या है घासों के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपना जो है वो है कम वर्षा वाले क्षेत्र या कंटीली झाड़ियाँ जो होती हैं, इनके क्या है पत्ती होती है छोटी, छोटी पत्ती होती है बिल्कुल, ठीक है, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कांटे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तना जो होता है वो पतला होता है, मोटा नहीं होता इतना, ठीक है। जो छाल होती है पेड़ की वो क्या होती है, इनमें तो छाल जो है पेड़ की वो छाल होगी बिल्कुल पतली, पतली छाल वाले होंगे ये, क्योंकि इनको क्या है इतना ज़्यादा जल मिलता है कि ये छाल को हटाकर क्या है उस जल की मात्रा को या आर्द्रता को थोड़ा बाहर निकालते हैं तने के द्वारा। लेकिन यहाँ जल की कमी है तो छाल क्या होगी, मोटी होगी, और उस मोटी छाल के द्वारा क्या है बाहर जल नए वाष्प सर्जित हो इसका फ़ायदा मिलता है उनको, ठीक है। तो हाइट इनकी कम होगी, लंबाई भी क्या है इनकी, लंबाई बिल्कुल ही कम होगी, ठीक है। रेगिस्तानी भागों में पाए जाते हैं ज़्यादातर, रेगिस्तानी भागों में पाए जाते हैं, ये मैदानी भागों में पाए जाते हैं दोनों ही प्रकार। ये भी क्या है पठारी और मैदानी भूभाग में पाया जाता है, मैदानी और पठारी दोनों भागों में पाया जाता है। इसमें क्या है सिर्फ वर्षा वाला डिफरेंस होता है, वर्षा अगर ठीक होती है तो वहाँ पर ही इस प्रकार की वनस्पति पर तो क्या है पर्याप्त मात्रा में उग सकती है। नेक्स्ट जो अपना आ जाता है टुंड्रा वनस्पति है, ये क्या है ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, इसके लिए क्या है ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, यानी वन इस प्रकार के मिलेंगे, घास तल इस प्रकार की उनके लिए स्थिति ये होगी, गुल्म या कंटीली झाड़ियों वाले क्षेत्र इस प्रकार के होंगे, उनके लिए इस प्रकार की विशेषताएं होंगी। और ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेंगे टुंड्रा वनस्पति मिलेगी, जो क्या है अधिक ठंड को सहन करने वाली वनस्पति होती है, जैसे मॉस या लाइकॉन, मॉस या लाइकॉन व लाइकेन, इस प्रकार की वनस्पति जो है वो टुंड्रा क्षेत्रों में मिलती है। तो क्या है ये अलग अलग विशेषताएं मैंने बताई हैं आपको, जिसमें क्या है वन, घास, तल और गुलम की आती है। इनके लिए महत्वपूर्ण कारक क्या हैं, इनको इनकी स्थिति को बदलने वाले या इनमें बदलाव करने वाले, इनमें अंतर करने वाले वो क्या हैं, आर्द्रता, तापमान, जलवायु और भौगोलिक स्थिति, इनके आधार पर ये चारों इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसको समझिएगा, नोटबुक में नोट कीजिएगा और फिर इसको याद भी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो आ जाता है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संरक्षण। अब क्या है अपने ये जो मैंने बताया कि किस प्रकार की वनस्पति है और किस प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी है, या पारितंत्र के अनुसार क्या है किस प्रकार से सभी के जीवन के लिए सभी उपयोगी है, तो उसके आधार पर अपने देखते हैं कि इनके संरक्षण के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए और इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है वो देखते हैं कि भाई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो हमने क्या इनको नुकसान पहुंचाया है, या हमारे ने जो मानव बुद्धि है उसने इस बात का विचार नहीं किया कि इनको हमें बचाना चाहिए, ठीक है, या फिर इनके कमी के कारण क्या थे उसके बारे में अपने इस पॉइंट में देखते हैं। क्या है पौधे क्या है जंतुओं के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, उनको क्या है रहने का स्थान देते हैं, ठीक है, तो वह क्या है एक प्रकार से पारितंत्र को क्या है संगठित करने वाले चीज़ें होती हैं सारे, ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या है बहुत सी प्रजातियां किसकी, वनस्पति की, वनस्पति
और वन्य जीवों की, वनस्पति और वन्य जीवों की बहुत सी प्रजातियां जो हैं वो लुप्त होने की कगार पर है या संकट प्राण है या संकटीय स्थिति में पहुंच चुकी है, यानी उनकी संख्या क्या है बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इन प्रजातियों को बचाने के लिए, या ऐसा हुआ क्या कि इनकी संख्या क्यों कम हुई वो देखते हैं पहले। जैसे मानवीय कारण, ज़्यादातर संख्या इनकी मानवीय कारणों के कारण ही हुई है, ठीक है। मानव लोगों ने क्या किया, अपने घर बनाने के लिए वनों को हटा दिया, ठीक है। वनों को हटाना, वनोन्मूलन करना, ठीक है, वनों को हटा दिया तो इनके रहने का स्थान, अगर मान लीजिए आपके घर को तोड़ दिया जाए और आपको बाहर निकाल दिया जाए तो आप रहोगे कहाँ, आपके रहने की क्या है जो स्थिति होगी, बहुत बहुत ज़्यादा बोरी हो जाएगी, हो सकता है आप ठंड के कारण मारे जाएं, गर्मी के कारण, ठीक है। तो उसी तरह से वनों को हटाने के कारण क्या है, इनकी संख्या में कमी आई। इसके अलावा निर्माण कार्य, कहीं पुल वगैरह, सड़कें, ट्रेन चलाने के लिए, तो निर्माण कार्य के द्वारा मानवीय लालच के कारण, क्योंकि बहुत से जानवरों की चीज़ें कीमती होती हैं, चमड़ी, दांत, उनके जैसे हाथी के दांत हैं, तो उन सभी चीज़ों को बेच के मानव क्या है बहुत सा पैसा इकट्ठा करना चाहता है, उस लालच के कारण क्या है वो उस प्रजातियों को ख़त्म करता जाता है या मारता जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, मृदा अपरदन में भी क्या है, मानवीय अपरदन, मानवीय कारण छुपे हुए हैं। भूसंकलन के अंदर ये कहने को प्राकृतिक कारण है, लेकिन क्या है इसमें भी मानवीय कारण छुपे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या है मानवीय भूल या मानवीय कारणों के कारण जरूर घटित होती है। तो इन सभी कारणों के कारण क्या है इनकी संख्या में क्या है लगातार कमी आती जा रही है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं कि इनको क्यों मारा जा रहा है, किसी पशु की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंजों आदि के लिए क्या है, सींग के लिए मारा जा रहा है, इन सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए, अपने क्या पढ़ रहे हैं संरक्षण। तो इन सभी चीज़ों को, यानी पशुओं को मारना, उनके किसी भी अंग को के लिए उनको नष्ट करना क्या कर देना चाहिए, गैरकानूनी, हालांकि किया हुआ है उसको ऊपर क्या है और ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। यानी मानव का जीवन और जीव जंतुओं का जीवन क्या है एक बराबर इम्पोर्टेंट किया जाना चाहिए। जैसे सरकार ने क्या है इसके व्यापार के लिए या इनको मारने के लिए क्या है इनको कानूनी अपराध घोषित कर दिया है। जैसे कुछ स्पेशल जीव हैं जो संकट प्रण हैं, चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, ठीक है, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर आदि के लिए क्या है, आदि के पंख वगैरह आदि चीज़ों के लिए उनको मारा जाता है, तो सरकार ने इसके विरुद्ध क्या है इनको बंद करना या गैरकानूनी करना शुरू कर दिया है। इसके लिए इम्पोर्टेंट कार्य कौन से किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, या फिर एक और महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है जीव मंडल नीचे। ये सारे के सारे जो विभाग हैं वो सारे विभाग क्या है वन्य जीव और वन्य संपदा को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। जिसमें देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का अर्थ होता है कि जो जीवों की अब की पीढ़ी है उसके भविष्य में उस पीढ़ी को बचाने के लिए, ठीक है, और पारितंत्र के या पारिस्थितिकी एकता को क्या है बनाए रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्या है एक क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है। उस क्षेत्र को क्या किया जाता है, आरक्षित किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, पारितंत्र की स्थिति को बचाए रखने के लिए, क्योंकि क्या है वो जो जीव हैं वो एक क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण जीव होते हैं, उनको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। उसी तरह क्या है जीव मंडल नीचे है उसको भी क्या है वैश्विक स्तर पर इस प्रकार के कार्य, यह क्या है वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार के कार्य करने के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इन सभी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ा है। ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था एक CITES जो क्या है बहुत ज़्यादा इस प्रकार के कार्य कर रही है, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा।
तो यह क्या है वन्य जीव संरक्षण के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो